Hello students, how are you? My name is Emma, class 1. Now get ready for chapter 2 and lecture 2. Chapter 4 है आपका और lecture 2 है, ठीक है? अब पहले जो हम लोगों ने किया था इस chapter में, वो addition के questions किए थे और subtraction भी किया था. अब आ गया आपका topic making subtraction stories. अब stories की तरह से देखते हैं इसमें क्या है. तो book open कर लीजिए, page number है आपका 53, worksheet 2 है, question number 1 है, read the subtraction stories एंड कलर फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, कलर भी करने हैं आपको और क्या कहते हैं स्टोरीज को देखते हैं. देयर आर सेवन, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये हैं, टू बॉक्सेस आर येलो, दो जो हैं वो येलो हैं, ठीक है, द रेस्ट आर ब्लू, और जो बाकी बचेंगे वो कितने हैं, वो ब्लू होंगे. अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास रेस्ट ऑफ ब्लू कितने होंगे. ठीक है, तो सेवन इन्होंने टोटल हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और टू इन्होंने कहा येलो है, टू येलो हो गए. ठीक है, तो सेवन में से टू कट करें, यानी ये सेवन है और टू जो है हमने ये येलो कर दिया, तो बाकी यहाँ से टू के बाद काउंट करें कितने रिमेनिंग रह गए, 1 2 3 4 5, तो फाइव रिमेनिंग रह गए, तो फाइव कितने हो गए, ब्लू. तो आप फाइव पे ब्लू कलर करेंगे और टू पे येलो कलर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइव जीरो आर ब्लू, यानी फाइव जो है वो बॉक्सेस पे कित पे ब्लू कलर होगा. ठीक है, अब है इसका पेज नंबर 54 है, उसका क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यहाँ पे देखें आपको फिश नज़र आ रही हैं और वो स्विम्स कर रही हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन है, देयर आर सिक्स फिश इन द पॉन्ड, सिक्स फिश जो हैं वो पॉन्ड में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स. ठीक है, फाइव फिश स्विम अवे, फाइव फिश जो है उन्होंने स्विम कर रही हैं. ठीक है, और डैश फिश आर लेफ्ट इन द पाउंड, कितनी फिश जो हैं वो पाउंड से बाहर हो गई हैं, तो सिक्स माइनस फाइव कितना हो गया, वन, यानी सिक्स में से हम फाइव को कट कर देंगे, तो हाउ मैनी आंसर आर देयर, वन, तो वन फिश आर लेफ्ट इन द पाउंड, ये देखें पाउंड से बाहर हो गई हैं फिश, वन फिश. ठीक है, और फाइव जो हैं वो क्या कर रही हैं, स्विम कर रही हैं, और एक जो वो पाउंड से बाहर है. ठीक है, इसके भी रिमेनिंग पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. इसके बाद आपकी होमवर्क स्लाइड है, ठीक है, उसका है, डू पेज नंबर 52 इन वन ए बुक, डू पेज नंबर 53 वन बी इन थ्री ए बुक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट करना है, फिर डू पेज नंबर 54 उसका है बी सी डी ई एफ इन वन ए बुक. ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी बाबा वीडियोस देखिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और होमवर्क डन कर लीजिएगा, और होमवर्क सबमिट जो हमारा डे होता है वो थर्सडे होता है, तो आप लोग थर्सडे को होमवर्क डन करके बुक सबमिट करवा दिया करें. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, स्टे सेफ स्टे होम.